सभी को मैं बताना चाहूंगा, आज एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इनवाइटिंग का रहता है, वो इनविटेशन का रहता है, और वो हमारे बिजनेस के लिए सबसे जरूरी भी होता है, क्योंकि हम लोगों को जितना भी पैसा मिलता है, जितना भी अचीवमेंट होता है, आप लोगों ने देखा निशांत ने 13 लाख का गाड़ी खरीदा, कई लोग 70 लाख का गाड़ी लेते हैं, 1 करोड़ का गाड़ी लेते हैं, स्मार्ट वैल्यू परिवार लोग है, आज देख रहे हो ये सारे लोग कोई 5 लाख का गाड़ी ले रहा है, कोई नेशनल ट्रिप जा रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप जा रहा है, कोई पीवीपीएल क्वालिफाई कर रहा है, ये सब चीजें होता है हमारे बिजनेस में, इतने सारे सक्सेस जो हमको देखने का मौका मिलता है, ये सारे चीजों के पीछे एक ही वजह है, एक ही कारण है, वो है इन्विटेशन, इन्विटेशन और इन्विटेशन। क्योंकि हर किसी इंसान की जो सफलता है, जो सक्सेस है, उसकी जो जर्नी है, वो इनविटेशन से ही शुरू होता है और इनविटेशन में ही खत्म होता है। इसीलिए कभी भी इस हमारे बिजनेस में ये इनविटेशन पार्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। आज 12-13 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी और आज मैं 13 साल कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आज भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट इन्विटेशन है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप इस बिजनेस में 13 साल से हो, 13 महीने से हो, 13 हफ्ते से हो या 13 दिन से हो, आपके लिए सबसे जरूरी जो काम है, जिसके वजह से आएगा, जिसके वजह से आपको रोजगार मिलेगा, जिसके वजह से आपके हर एक जरूरत को आप पूरा कर पाओगे, जिसके वजह से आपके हर एक सपना पूरा होगा, वो चीज होता है इनविटेशन। और वही चीज हम कैसे करें और अच्छे से और आसानी से, इसी बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। इनविटेशन अगर करना है तो प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आज कई सारे ट्रेनिंग्स में हमारे स्मार्ट वैल्यू में क्या क्या चीजें हैं, कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी के अचीवमेंट, ये सारे चीज आपको क्लियर हो चुका है। आज हमारे पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइव स्पैन है। आज हमारे पास नोनी से लेके, आंवला से लेके, एलोवेरा से लेके, गिलॉय से लेके, तुलसी से लेके, हनी से लेके, कई सारे प्रोडक्ट्स है, कई सारे सुपर फूड्स है, जिनके चलते हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्रोडक्ट बिजनेस को कर पा रहे। साथ में हमारे एग्रोलाइजर का डिवीजन है, जहां पे एग्रो से लेके, एग्रोवेरा से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और इसमें कंपनी ने 25 माइस के इम्यूनिटी कॉम्बो से लेके 50 माइस का कॉम्बो, 100 माइस का कॉम्बो, हेल्थ एंड वेल्थ पर्सनल कॉम्बो, उसके हेल्थ एंड पर्सनल केयर कॉम्बो, उसके साथ 12,299 का नोनी का कॉम्बो, सारे कॉम्बोज अवेलेबल है, जिनको हम प्रोडक्ट बिजनेस में ला सकते हैं, जिनको हम ऑफर कर सकते हैं, वो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े, या तो 100 माइस लेके, या तो 50 माइस लेके, या तो 25 माइस लेकर उसमें उन लोगों को हम प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और इनविटेशन का पहला जो पार्ट है, इनवाइट करना होगा, इनवाइटिंग करने से रोजगार आएगा, ये सबको पता है। आज आप 10 लोगों को इनवाइट करो, 10 लोगों को स्मार्ट वैल्यू का ये प्रेजेंटेशन आपको सुनाने की जरूरत है, 10 लोगों को प्लान शो दिखाने की जरूरत है, उसके लिए आपको 15-20 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, उसमें से 10 लोग आएंगे, ये सारे लोग चीज आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आप इनवाइटिंग क्यों नहीं करते? इनवाइटिंग ना करने के पीछे 4 कारण है। पहला, फियर टू टॉक, मतलब बात करने से हमको डर लगता है। कई सारे लोग हैं जो बात करने से डरते हैं। ये जो लोग हैं वो इनवाइटिंग, ऐसा नहीं कि वो इनवाइटिंग कर रहे उनका इनवाइटिंग नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है, वो इनवाइटिंग करते ही नहीं, क्योंकि उनको ये बोलने से, मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, गलत बोलूंगा सही बोलूंगा, इसमें उनको डर लगता है, और ये बात करने का जो डर है, इसके वजह से लोग इन्वाइट नहीं कर पाते। और ये इस डर को हम कैसे हैंडल करें, मैं पहला जो बात बोलूंगा, बचपन में है मेरे को सिखाया गया था, मेरे एक मैथ के टीचर थे, मैं क्लास 6 में पढ़ाई करता था, हमारे स्कूल के एक टीचर हुआ करते थे, जीवन सर बोलकर उनका नाम था, जीवन बाबू हम बोलते थे, तो उन्होंने हमको एक चीज बोला था कि तुम्हारे सामने जब मैथ्स कर रहे हो, ऐसा कई बार कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, कई सारे सवाल आएंगे जो बहुत टफ है, और आप उसको एक बार में कर नहीं पाओगे, दो बार में कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, लेकिन इन चीजों को करने का मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं, और इसके बाद से आपके सामने कितना भी कठिन मैथ क्यों ना आ जाए, आप ये पक्का कर लोगे, ये ट्रिक अगर आपने अप्लाई कर दिया। तो हमने बोला सर बोलिए, हमको कोई भी मैथ आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो सर ने हमको ट्रिक क्लास 6 में सिखाया था, और आज भी मुझे याद है कि कोई भी चीज आप कर नहीं पा रहे हो तो उसी चीज को बार बार करो। जो मैथ, जो प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, 6 बार में करो, 10 बार में करो, तब तक करते रहना है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता। और जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम के साथ ये हल निकालते हो, ये चीज अप्लाई करते हो, तो ये पक्का है उसका हल आपको निकलेगा ही निकलेगा। मतलब
बात करने का डर है ना, तो आप पागल बन जाओ। कोई भी इंसान से, किसी भी इंसान से दिल खोल के बात करो भाई। क्या भाई, क्या कौन रोकेगा आपको बात करने के ऊपर? भारत सरकार ने अभी टैक्स नहीं लगाया है। आप बोलोगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। दिल खोल के बातचीत करो। आपको अगर बातचीत करने का डर है तो और ज्यादा लोगों से बातचीत करो। जैसे ही आप ये करते रहोगे, एक दिन में परिवर्तन नहीं आएगा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन आपके जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं पंकज घोष एक ऐसे स्कूल में पढ़ा था जो बॉयज स्कूल होता है, तो बचपन से मैं थोड़ा सहमा हुआ था। हम छोटे बचपन में ऐसे थे कि मेरे हम एक कमरे के घर में रहते थे, और उस घर में अगर कोई रिश्तेदार आ जाता था तो मैं बाहर चला जाता था ताकि बात ना करना पड़े। और जब मैं स्कूल लाइफ में भी था, आज मेरे दोस्त जब मेरे से मिलते हैं और वो लोग बोलते हैं कि पंकज तू स्कूल में वही बंदा है जो सबसे ज्यादा बदल गया है, क्योंकि बचपन में ना बात करता था, ना उतना लोगों से मिलजुल पाता था, और आज देखिए, आज मैं सिर्फ ऑनलाइन के जरिए नहीं, आज बड़े बड़े स्टेडियम में, बड़े बड़े रिकॉग्निशन प्रोग्राम में मैं 2,000, 5,000, 10,000 लोगों के साथ इंटरेक्ट किया हूँ, उन लोगों से बातचीत किया हूँ, उन लोगों को ट्रेनिंग दिया हूँ। और ये परिवर्तन मेरे अंदर हुआ है। जो इंसान आज से 12-13 साल पहले लोगों से बात करने से डरता था, आज वो 5,000, 10,000 लोगों से बात कर पा रहे, क्योंकि वो एक कहावत है, डर के आगे जीत है। अगर किसी काम से डरते हो, आपको बात करने से डर लगता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने अपलाइन से बात करो, अपने जूनियर से बात करो, आपका डर कट जाएगा। और जैसे ही आपका डर कट जाएगा, आप इनवाइटिंग आसानी से कर पाओगे। तो कोई भी लोग जो बात करने से डरते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए, आपको ये चीज और भी आसान हो जाएगा। दूसरा, प्रीवियस हैबिट। हम लोगों को अलग से ऐसे इन्वाइट करने का आदत नहीं रहता है, हम लोगों को कोई इनवाइटिंग करना सिखाया नहीं है, हम लोग पहले किए नहीं है, इसीलिए किसी भी नए चीज को करना हमको मुश्किल लगता है। हमको लगता है हमसे इनवाइटिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमने पहले कभी किया नहीं है। ये गलत है। आपने किया नहीं है इसका मतलब ये नहीं, ये मुश्किल है। ये जो कोई भी चीज आप जिंदगी में करना चाहोगे तो पहले आपको थोड़ा बहुत तकलीफ तो सहन करना पड़ेगा भाई। आपने जब स्विमिंग सीखा था तब भी आप एक बार में नहीं सीखे थे। आप जब स्विमिंग करने पानी में उतरे थे, पानी आपको नीचे खींचेगा, आपको उसके साथ लड़ाई करके, उसके साथ मतलब मेहनत करता रहना है, आपको हाथ पैर चलाते रहना है, तब जाके आप अपने शरीर को फ्लोट कर सकते हो, तब जाके आप स्विम कर सकते हो। तो कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो एक बार में पानी में उतरा और बहुत बड़ा स्विमर बन गया। गलत। दुनिया का टॉप से टॉप लेवल का स्विमर को भी पानी में जाने से डर लगता था, उनको भी शुरुआती क्षणों में डर लगा था, उनको भी पानी में तकलीफ हुआ था। आज कोई साइकिल चला लेता है, कोई बाइक चला लेता है। आज जैसे मैं बाइक चलाता हूँ या कार चलाता हूँ, कान में ब्लूटूथ लेके बात कर रहा हूँ, उसी के साथ मेरा बाइक चल जा रहा है। कब गियर चेंज करना है, कब क्लच लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब हॉर्न लगाना है, कब इंडिकेटर देना, ये ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन मुझे याद है जब मैं पहला दिन अपना पहला मैंने बाइक जो खरीदा, उसके बाद मैंने बाइक चलाना सीखा। मैं कभी दूसरे के बाइक में हाथ नहीं मारा। मेरा ये था कि जब मैं अपना बाइक खरीदूंगा तभी मैं जाके बाइक चलाऊंगा। और जिस दिन मैंने वो बाइक चलाया पहला, तो मुझे याद है जैसे ही मैं दूर से कार देख रहा था, मैं डर के मारे खड़ा हो जाता था, मैं बाइक बंद कर देता था। और मैंने जब पहला बाइक खरीदा था तो उसमें सेल्फ स्टार्ट था, लेकिन वो क्लच छोड़ने के साथ साथ आपको एक्सीलरेटर भी दबाना है, तब जाके आप है। और उसमें मुझे याद है मैंने करीबन कम से कम 100 बार बाइक बंद हो गया था। तो ये प्रॉब्लम मेरे को आज से 10 साल, 11 साल पहले मैंने पहला बाइक लिया था उसमें हुआ था, आज नहीं होता। आज मैं नींद में भी बाइक चला दूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय में वो काम मेरे लिए नया था, वो काम करने का मेरा आदत नहीं था, इसलिए मुझे वो तकलीफ होती थी। तो आप भी जब ये काम करना शुरू करोगे, आपको दो तकलीफ हो सकते हैं, आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कभी भी ध्यान में मत लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस चीज को करते रहोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और ये काम आपके लिए चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा। आप चुटकी बजाने जैसे इन्वाइट करने लगोगे, सिर्फ इसको आदत बना दो। ये मत सोचो कि मैंने ये पहले कभी किया नहीं है तो इससे मेरे से होगा नहीं। दूसरी बात, फियर टू डू मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते मैं इनवाइटिंग करने जा रहा हूं और मैंने गलती कर दिया, तो मेरे से गलत शब्द निकल गए, तो
मैं सही ढंग से इनवाइट नहीं कर पाया, तो ये डर के वजह से कई लाखों स्टूडेंट्स है जो एसोसिएट्स है हमारे, वो इनवाइट ही करते ही नहीं है, उनको डर लगता है। एक चीज आप समझ लीजिए, कोई भी इंसान, ये जो मिस्टेक है, गलती करने से डरना, ये कभी भी मतलब इसको आप ध्यान में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गलती करके ही लोग सीखता है। आज हम ही लोग लेट बचपन में लिखते थे, फेलियोर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, मतलब असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। मतलब आप जब तक फेल नहीं करोगे तब तक आप कभी नहीं बन सकते। ये हर कोई चीज, मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, सभी जगह पे एक ही रीत चलता है। तो कभी भी गलती करने से मत डरो, गलती वो करता है जो काम करता है, और गलती से ही आपको सीख मिलती है सही क्या है और गलत क्या है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आपको लगेगा कि दादा हम लोगों ने गलती कर दिया तो मेरा प्रोस्पेक्ट चला जाएगा, क्या चिंता करने की बात क्या है भाई, हम लोग इंडियन है, हम लोग भारतीय नागरिक है, और हमारे भारतवर्ष में आपको मेरे को छोड़ के 135 करोड़ की आबादी है। दो चार गलती हो भी जाए तो हमको घंटा कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि 135 करोड़ लोग बैठे हुए हैं स्मार्ट वैल्यू में आने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, सिर्फ आपको पहुंचने की देर है। जब 2 घंटा हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज भारतवर्ष के कई सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में ये 2 घंटे में कम से कम 10,000 बच्चे जन्म ले चुके हैं, जो आज से 18 साल बाद आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो आप काहे डर रहे हो, दो चार गलती हो भी जाए, दो चार प्रोस्पेक्ट छूट भी जाए, तो कभी भी ध्यान में मत लो, क्योंकि हम इंडिया वे हैं और हम भारतीय हैं, और हमारे पास एक चीज की कमी नहीं है, वो है इंसान। इंसान तो इतने भरे परे है कि आज आप कोई एक ईंट का टुकड़ा ले लो और उसको आसमान में उछालो, वो जिसके सर पे गिरेगा वो बंदा इंसान होगा, और वो बंदा ग्रेजुएट भी होगा। उस बंदे को भी एडुकेशन की जरूरत होगी, उस बंदे को भी पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज आबादी, जनसंख्या। और हमारे बिजनेस, हमको आबादी ही तो चाहिए, जनसंख्या ही तो चाहिए। तो डर किस बात कर रहे हो, गलती करो। मैं डरता था, अब मेरे को कोई बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट के बारे में, मेरी बात सुनाई पर, हाँ किसी को मैंने बोला मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्ट का उसके उनके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, मैं किसी को बात बोल रहा हूं, उसमें कुछ गलत बोल दिया तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा भाई। मैं एमएलएम बोलने गया, मैं एमएलएन बोल दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलने गया था, मैं एमएलएम की जगह एमएलएन बोल, उसको कोराई पता चल रहा है। और गलती करके करके ही लोग सीखता है। तो कभी भी गलती करने से मत डरिए, जो जितना ज्यादा गलती करेगा वो उसको उतना ज्यादा सफलता मिलेगा, लेकिन एक बात है, एक ही गलती बार बार मत कीजिए। जैसे आपको पता चल गया ये गलती मेरे से हुई है और इस बात की वजह से मेरा ये इनवाइटिंग नहीं हुआ, तो उस गलती को दोहराइए मत, उस गलती को रिपीट मत कीजिए, अपने गलतियों से सीख लीजिए, तो आपका इनविटेशन ऑटोमेटिकली होगा। और उसके बाद सबसे बड़ा कारण, फियर ऑफ लूज रेपुटेशन, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के ज्यादा से ज्यादा लोग इनविटेशन करते ही नहीं। ये जो डर है, लोगों को पता चल गया कि मैं एपीएलएल में हूं, मैं स्मार्ट वैल्यू में हूं, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूं, मैं नेटवर्किंग में हूं, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसी डर के वजह से आपके सामने मैं आज पंकज घोष जो बैठा हूं, मैं सबसे ज्यादा मेरे अंदर यही डर था, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया था, अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में पढ़ा, और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छा भी था, तो एक होता है ना जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे तक एक गर्व है, हाँ मैं पढ़ाई लिखाई कर लेता हूं, मेरा रिजल्ट अच्छा ये है, तो मुझे लगता था लोग क्या, पंकज तू ये काम कर रहा है, पंकज तू आदमी पर कर रहा है, पंकज तू लोगों को जाके बोल रहा है, ये जो है ये मुझे को रोक के रख रहा था इनवाइट करने में। मैंने उस दिन से इनवाइटिंग करना चालू किया जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, ये काम करने से रेपुटेशन घटता नहीं है, रेपुटेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शर्म उनको आनी चाहिए जो अपने घर में बैठे बाप के पैसे में जिंदगी जी रहा है, जो घर में बैठ के 2 बार दिन दिन में 3 दफा रोटियां तोड़ता है, यूट्यूब करता है, फेसबुक करता है, गल
देता है और अपने आप का कुछ नहीं करता। शर्म उनको आनी चाहिए, शर्म मेरे को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं कि तेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तेरे को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। और स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका ऑफर, उसका अपॉर्चुनिटी मैं उनको दे रहा हूं। तो इसमें मेरे को शर्म नहीं आना चाहिए, शर्म उनको आना चाहिए जो आज सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन करके सोचता है करियर पाएगा। आज उनको, मेरे को तक शर्म पाने की जरूरत नहीं है, मुझे शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। मेरा रेपुटेशन छोटा नहीं होगा क्योंकि मैं लोगों को दारू पीना नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिगरेट बीड़ी पीना सही नहीं सिखा रहा हूं। मैं सब बोल रहा हूं, सवेरे उठो, 2 ग्लास गर्म पानी पियो, उसमें थोड़ा तुलसी डाल दो, उसमें थोड़ा नींबू डाल दो, उसमें कभी नींबू डालो, उसमें आंवला डालो, एलोवेरा डालो। मैं आंवला पीने की बात बोल रहा हूँ, मैं एलोवेरा पीने की बात बोल रहा हूँ, मैं नोनी पीने की बात बोल रहा हूँ, मैं लेने की बात बोल रहा हूँ, मैं अश्वगंधा लेने की बात बोल रहा हूँ, मैं उनको अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले इसके बारे में बोल रहा हूँ। जब बाबा रामदेव आते हैं और जब बाबा रामदेव आके बोलते हैं, तब तो उनको उनकी इज्जत नहीं जाती, हम तो उनको भगवान मानते हैं। बाबा रामदेव बोल रहे, वो टीवी में आके बात बोलते हैं, 2 घूंट जिंदगी के, हमेशा सवेरे उठ के 1 घूंट एलोवेरा के लो, 1 घूंट आप आंवला के लो, और उनका बाबा मानते हैं। उनके भारतवर्ष में करोड़ों फॉलोअर है, और हम सोचते हैं, हम किसी को बोलेंगे तुमको नोनी पीना है, तुमको आंवला पीना है, तुमको एलोवेरा पीना है, तो हमारा इज्जत घट जाएगा। ऐसा क्यों भाई? जब मेरे को ये समझ में आ गया, उस दिन से मैंने इनवाइटिंग करना चालू कर दिया। मुझे क्लियर हो गया था कि ये इनवाइटिंग जिसको हम करते हैं, कोई इज्जत जाने वाली बात नहीं है, या पे इज्जत कमाने वाली बात है। एक लड़का एक लड़की को मैं इनवाइट कर रहा हूं, वो 18 साल का हो, 19 साल का हो, 20 साल का हो, 22 साल का हो, मैं उनको बता रहा हूं कि भाई तू आज घर बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके साथ तेरे को एक इनकम करने का जरिया है, मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जिससे तेरे को इनकम नहीं, सिर्फ इनकम नहीं, तेरे को जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। जैसे निशांत थिरानी ने अपनी जिंदगी बदला है, जैसे सुशोभन रॉय ने अपनी जिंदगी बदला है, जैसे पंकज दा ने ऐसे अपनी जिंदगी बदला है, ऐसे ये जो मौका जो हम लोगों को मिला है, स्मार्ट वैल्यू सिर्फ रोजगार करने का नहीं है, ये इनकम करने का नहीं है, सिर्फ जिंदगी बदलने का ये मौका है। ये मौका मैं तेरे को दे रहा हूं, ये मौका मैं दे रहा हूं, तो मेरा इज्जत जाएगा क्या? उस इज्जत तो उसकी जानी चाहिए जो अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए अपने पापा के जेब से 500 का नोट खरका लेता है। इज्जत तो उनकी जानी चाहिए जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, इसके लिए पापा को झूठ बोलता है कि कॉलेज में एग्जाम है, फॉर्म फिलअप करना है, 2000 रुपया लेके दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। इज्जत उनको जानी चाहिए हमारी जन, हम तो उनको उल्टा पैसा कमाने मौका दे रहे हैं। हमको तो इज्जत नहीं, हमको तो सर पे बिठा के रखना चाहिए। और इसी चीज के साथ जैसे ही मैं ट्रेनिंग लेता गया और मेरे को ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे रेपुटेशन जाने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं है जैसे इज्जत जाए, उल्टा यहां से इज्जत कमाने वाली बात है। और रेपुटेशन की बात अगर सोचते हैं ना, तो ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए क्या रेपुटेशन हमारा है। लोग सोचते हैं कि दादा हम इनवाइटिंग करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचते हो बेटा? उस समय नहीं सोचते जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है और उनको ट्रीटमेंट कराना है, तो आप प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जाते, हॉस्पिटल में लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे तो 2000 5000 10000 का खर्चा हो जाएगा, और सरकारी अस्पताल में चला जाते हैं और बड़ी लंबी सी कतार लगी हुई होती है, लाइन लगी हुई होती है, और उस लाइन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि 100 रुपया का टिकट लेके आपको डॉक्टर दिखेगा। आपका परिवार वाला बीमार है लेकिन वो धूप में 1.5 घंटा लाइन में खड़ा हुआ है, बारिश में खड़ा हुआ है, क्योंकि 1.5 घंटे बाद नंबर आएगा, फिर उसको डॉक्टर 2 मिनट के लिए देखेगा और देखने के बाद शायद फ्री का 2-4 सैंपल दवाई भी दे देगा और आप उनको लेके घर आओगे। तब आपको इज्जत नहीं जाता? तब आपके रेपुटेशन में कोई हैम्पर? अगर इज्जत जाती है तो हर एक काम में जानी चाहिए। जब आप मोहल्ले में जाते हो और मोहल्ले में कोई दुकान आता है, कोई आपके शॉप कुछ खरीदने जाते हो, बाजार जाते हो, और जैसे ही कोई सी चीज का प्राइस 2 रुपया बढ़ जाता है, 5 रुपया बढ़ जाता है, आप उसमें आधा बहस करने लग जाते हो, तब आपका इज्जत नहीं जाता? जब आप घर से निकलते हो, अपने मम्मी पापा
और आपको स्टेशन जानी जाना होता है और आपके पास खुद का कार नहीं है, खुद का बाइक नहीं है, आपको बस या ऑटो लेना पड़ता है। और इस कोविड के सिचुएशन में 50 सीट के बस में 100 लोग उठे हुए हैं, उसमें आपको मम्मी पापा को घुसाना पड़ता है, तब आपकी इज्जत नहीं जाता? अगर इज्जत जाना है तो हर एक जगह पे जानी चाहिए। हम जिस इज्जत के बारे में सोचते हैं वो खोखला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सफलता नहीं है, तो आपको समाज में कोई इज्जत नहीं देगा, ये समझ लो। जो झूठे रुतबे को आप इज्जत समझते हो, इज्जत नहीं है। इज्जत आपको कमाना पड़ेगा और वो तभी होगा जब आप जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं है। आपको सफल बनना है और स्मार्ट वैल्यू ये प्लेटफॉर्म आपको वही रास्ता देता है। ये सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, लाखों करोड़ रुपया नहीं देता, ये आपको जिंदगी में सफल बनाना सिखाता है। आपको एक आइडेंटिफिकेशन देता है, आपको एक पहचान देता है, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग मानते हैं, सारे इंडिया में आपका एक परिचय होता है, और यही होता है इज्जत कमाना। तो इनवाइटिंग करने से इज्जत जाता नहीं है, इनवाइटिंग करने से इज्जत आता है। और आपको इज्जत बनानी है, आपको पैसा कमाना है, इसलिए आपको इन्वाइट करना है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? अब कैसे क्यों हम इन्वाइट करें? खूब बहुत सिंपल से कारण है इन्वाइटिंग करने, सिंपल कारण क्या है? एडुकेशन किसी को, लोगों को देना है, करियर चाहिए, वेलनेस चाहिए, इसके वजह से हमको इनवाइट करना है, क्योंकि उनको चाहिए ही है। लोगों को शिक्षा की जरूरत है, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है, और वही चीज हम उनको दे रहे, तो इसीलिए हम इन्वाइटिंग करेंगे। दूसरा, लोगों को रोजगार की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है हमारे समाज को, इसके लिए मुझे इन्वाइट करना है। लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा रोजगार करने का जरिया चाहिए ताकि वो दुनिया में रहे या ना रहे उनके पास रोजगार आता रहे। कल भगवान ना करे उनके परिवार में कुछ हो जाए तो उनका परिवार, उनको कुछ हो जाए तो उनका परिवार बह ना जाए, उनका परिवार रास्ते पे खड़ा ना हो जाए, उसे वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है, स्मार्ट वैल्यू दे सकता है, नेटवर्किंग दे सकता है, इसीलिए मुझे इन्वाइट करना है। और खुद को पैसा कमाना है, इसके लिए भी इन्वाइट करना है, खुद के सपने करना है, इसके लिए भी इन्वाइट करना है। अब इन्वाइटिंग है क्या, ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में है। इनवाइटिंग का एक सिंपल सा, अगर मैं एक लाइन में मैं इसको समझाऊं, यू नीड टू अट्रैक्ट पीपल एंड क्रिएट क्यूरियोसिटी। वी कैन आल्सो डू इट थ्रू सोशल मीडिया एक्टिविटी। ऑलवेज रिमेंबर, अटेंशन इज मनी। इनवाइट मतलब आपको लोगों को इसके बारे में मैसेज देना है, जागरूक करना है, जानकारी देना है, और उसके लिए आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों की उत्सुकता जो है वो बढ़ाना है, लोगों आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको अट्रैक्टिव होना है, यही होता है इनवाइटिंग। और इनवाइटिंग का प्रोसेस क्या है, इसको कैसे फॉलो करें? आप इनवाइटिंग जो करेंगे उसके पहले अपने प्रोस्पेक्ट का नेचर, उनकी आदत क्या है, वो कैसे है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट्स नेचर। चार तरीके के लोग हमारे समाज में होते हैं। पहला, मनी माइंडेड पीपल। दूसरा, पीपल विथ एनालिटिकल माइंड। तीसरा, पार्टी लवर। चौथा, पीपल हु लव टू हेल्प अदर्स। आपको समझ लेना है, आप जो इंसान को इन्वाइट कर रहे हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कॉलीग हो सकते हैं, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? पहला कैटेगरी, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, आप उनको कुछ भी बोलो उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको आप पैसा कमाने का जगह दिखाओ तो आपको वो रिस्पॉन्स करेगा। रात के 12 बजे भी वो आ जाएगा अगर वो सुनते कि वहां पे पैसा कमाने का मौका है। ऐसे ज्यादातर लोग होते हैं जिनको पैसा चाहिए, उनको आप पैसे के बारे में जानकारी दो, तब जाके वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब जाके वो आपका इनवाइटिंग में वो रिस्पॉन्स करेंगे। उनको पैसे के बारे में ही बोलना है, रोजगार के बारे में ही बोलना है, सफलता के बारे में ही बोलना है। ये होते हैं मनी माइंडेड पीपल, जिनको पैसा, उनको आप बोलोगे आपको एक एडुकेशन दूंगा, जो एडुकेशन लेके बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आप ये बन जाओगे, घंटा आपको वैल्यू नहीं देगा। उनको आप बोलोगे आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना है, आपको नोनी पीना है, आमला पीना है, वो घंटा आपका बात नहीं सुनेगा। लेकिन उसको आप बोलो भाई धंधा करना है, एक बहुत बड़ा इनकम करने का जरिया है, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है भाई, जिसके चलते जिंदगी बदलने वाला इनकम हो सकता है, 3 साल में 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, ऐसा इनकम करने का मौका मिला है। आप उसको रात को 12 बजे भी बुलाओगे तो आपके घर के सामने खड़ा मिलेगा, क्योंकि वो पैसे का भूखा है। ऐसे लोगों को पैसा बोल करना है। दूसरा,
पीपल विथ एनालिटिकल माइंड, कुछ लोग होते हैं जो भी चीज आप बोलेंगे उसमें बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो लोग बहुत मतलब इधर उधर करेगा, गूगल खोजेगा फिर जाके आएगा। लोगों को आपको इनवाइट करना है तो कुछ टर्म यूज करने हैं जिनके चलते उनको बारे में एक इंफॉर्म, भाई तुम क्या काम कर रहे हो, उनको बोलोगे भाई एक पैसा कमाने का जरिया जगह है, वो नहीं आएगा। उनको बोलो हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो आज एमएलएम इंडस्ट्री है, उनको सोचने दो एमएलएम इंडस्ट्री क्या है। हम कौन से प्रोजेक्ट में काम करते हैं, एसडीपी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम लोग है, जहां में आज एक इंसान का स्किल कैसे डेवलप होता है। तू देख भाई स्किल इंडिया जाके सर्च कर ले, एनएसडीसी सर्च कर ले, तू देख गूगल जाके क्या बोल रहा है, जाके तेरे को पता चलेगा कि स्किल डेवलपमेंट कितना बढ़िया चीज है और आज इंडिया में ये कितना ज्यादा ग्रूम हो रहा है। तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हो, हम ई कॉमर्स एम कॉमर्स प्रोजेक्ट में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से कैसे पैसा कमाया जा सकता है उसके बारे में काम करते हैं। आपने जैसे ही उसको डिजिटल मार्केटिंग शब्द बोल दिया वो उसके पीछे घुस जाएगा, वो देखेगा, उसको देखने दीजिए, तो वो जानकारी लेगा देखेगा फिर आएगा, वो दस वीक सोच के आता है। ऐसे लोगों को आपको कुछ टर्म देने हैं जिसके चलते उनको हम इन्वाइटिंग कर सकते। तीसरा होता है पार्टी लवर्स, ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई के बारे में बोलोगे, हेल्थ के बारे में बोलोगे, इनकम के बारे में बोलोगे, ये कुछ भी नहीं सुनेगा, ये कुछ भी नहीं सुनेगा। इसको एक ही चीज चाहिए, मस्ती मस्ती मस्ती, जिनको हम शॉर्ट में मस्ती खोर बोलते हैं। हम आप इनको इनवाइटिंग करेंगे भाई रोजगार करने का जगह है, वो आएगा नहीं, लेकिन उसको बोला भाई एक बहुत बढ़िया जगह है जहां से भाई जिंदगी जी सकते हैं, फुल मस्ती का लाइफ चाहिए तेरे को, बोलेगा हाँ भाई हर हफ्ते पार्टी करने का मिलेगा, हर हफ्ते चेक आएगा तो पार्टी तो ऐसे ही होगा, हर महीने का मौका मिलेगा, हर तीन महीने में नेशनल ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, हर एक साल में दो बार विदेश घूमने का मौका मिलेगा, और जब पार्टी भी करेंगे दोस्त ऐसे नहीं कलकत्ता में जा रहे 8 या 9 को, देख लेना कलकत्ता में 5 होटल में वहां पे डीजे नाइट होगा, वहां पे पार्टी करेंगे, स्विमिंग पूल में करेंगे, गाला नाइट में करेंगे। ये लोग इन चीज के भूखे है, आपको इन्वाइट करना है तो इनको यही समझाना है कि आज तेरे को मस्ती चाहिए ना, अगर मस्ती तब होगा तेरे पास अगर 1.5 लाख का 2 लाख का एक बाइक होगा। भाई मस्ती तो कर रहा है लेकिन साथ में अगर एक केटीएम आ जाए तो कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्या करने पड़ेगा भाई, एक जगह है मैं तेरे को दिखाता हूं, एक अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मुझे पता नहीं तेरे को तू कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, लेकिन करेगा ना तो आने वाला दिनों में तेरा पार्टी में तू साइकिल में नहीं जाएगा, दोस्तों के बाइक में नहीं जाएगा, खुद का 2 लाख का KTM में जाएगा, कैसा लगेगा बता। ये होता है पार्टी लोगों के लिए। और कुछ लोग जो थोड़ा सीनियर कैटेगरी के होते हैं, जो ऑलरेडी दूसरे किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए इनविटेशन होता है लोगों को हेल्प करना, उनको अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के साथ खड़ा रहना। तो उनको हम ये बोल सकते हैं ऐसा एक प्रोजेक्ट है सर, आप एक नौकरी कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप अच्छा खासा पैसा भी कमाते हो, लेकिन आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाते जो करना आप चाहते हो, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके जरिए आप स्टूडेंट से लेके जॉब होल्डर से लेके बिजनेसमैन से लेके हाउसवाइफ से सभी लोगों को हेल्प कर सकते हो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं लोगों को मदद करना, लोगों का हेल्प करना, हम उनको ये भी बोल के इस प्रोजेक्ट में इन्वाइट कर सकते हैं। तो हमको कभी भी किसी को इन्वाइट करना है तो पहले समझ लेना है, जान लेना है ये 4 तरीके के लोग कौन हैं और किसको क्या बोल के हम इनवाइट करेंगे। चलिए इसके बाद वाला पार्ट जो है हम देखते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, वी आर इनवाइटर सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से इनवाइट करते आए हैं। घर में बर्थडे का पार्टी होता है तो इनवाइट करते थे, जब दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाना होता था तब हम इनवाइट करते थे, जब हम लोगों को कहीं घूमने जाना है दोस्तों के साथ तब लोगों को बोलते चल भाई घूम के आते तब इनवाइट करते थे, कभी दुकान में गए कोई ऑफर दिखा तो दोस्तों को फोन करके बोलते थे भाई ये ऑफर चल रहा है देख यहाँ पे ऑफर है ये चीज परचेस कर ले, उसमें भी हम उस कंपनी के लेकर उसको इन्वाइट करते थे। तो इन्वाइट हम बचपन से करते आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को कोई बोला भाई कौन सा स्टूडेंट या पे टीचर कौन सा अच्छा है, हम बोलते थे कि भाई इसके पास भेजिए अच्छा पढ़ाता है, तो उसके पास बच्चा चला गया वहां पे पढ़ाई कर लिया। हर किसी कोई पूछता था मिठाई का दुकान कौन सा अच्छा है, हम बोलते हैं। कोई पूछता है डॉक्टर कौन सा अच्छा है, हम बोलते हैं। कोई बोलता है मूवी कौन सा अच्छा है, हम बोलते हैं। कोई पूछता है मोबाइल कौन से कंपनी का अच्छा, हम बोलते हैं। तो इनवाइट हम बचपन से करते आए हैं, हमको ये सोचना नहीं कि ये काम हमारे लिए नया है, हमको सिर्फ अपना जैसा हमारा नेचर है हमको वैसे ही रहना है। कभी भी
कोई आर्टिफिशियल अप्रोच में इनवाइट मत करने जाइएगा। आप किसी को इनवाइट करने जाते हो, जैसे मेरा एक दोस्त है, फॉर एग्जांपल मैं पकड़ता हूँ कि आज यहाँ पे मेरा दोस्त है विकास शर्मा मेरा दोस्त है, मैं उसको इनवाइट करने जा रहा हूँ। अब विकास मेरा कैसा दोस्त है, मेरा एकदम बचपन का यार है, हर रोज हमेशा उठना बैठना रहता है, हमेशा हम उसके साथ चलना फिरता रहता है, अड्डा मारते हैं हम लोग, घूमते फिरते, उसको मैं इनवाइटिंग करने गया। और उसको इनवाइटिंग करने के लिए मैं बोला, भाई एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आप क्या आओगे, आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो सोचेगा ये लड़का हमेशा मेरे से गाली में बात करता था, तू तकारी करता था, और आज मेरे को आप बोल रहा है, वो डर जाएगा। आप जैसे हो वैसे रहो विकास के साथ, आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। लोग उल्टा करना चालू कर, सर आप आओगे, वो बोले भाई मेरा दोस्त था, आज मेरे को सर बुला रहा है, कल जाके क्या करेगा, मेरे को डर लगने लगता है, और डर के वजह से लोग आते नहीं है। आप आर्टिफिशियल कुछ मत करो, आप जैसे हो वैसे ही बात करो, आपका जो नेचर है वही उनके सामने दिखना चाहिए। अगर आप कुछ आर्टिफिशियल करने जाते हो तो लोग पकड़ लेते हैं और लोग समझ, आप कुछ अलग माइंड सेटअप से आए हो, आप कुछ दूसरा कुछ बोलने के लिए आए हो, और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। आप जैसे हो आप वैसे रहो, आप उसी लय में, उसी एटीट्यूड में, उसी फ्लो में बात कीजिए जैसे आप दोस्तों से बात। कोई आर्टिफिशियल, कोई ट्रेनिंग देख लिया, कोई यूट्यूब से ट्रेनिंग सीख लिया, वो चीज को आप कॉपी करने जाओगे तो नहीं होगा। हर एक इंसान का यूनिक नेचर होता है, आप उसी को फॉलो कीजिए, अलग कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। बातें नए नए बोलिए, लेकिन आपने बर्ताव को, अपने बिहेवियर को चेंज मत कीजिएगा। जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे आप हो वैसे ही रहो, तो आपका इन्वाइट जाएगा। जब आप इन्वाइटिंग करने जाएंगे तो दो चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। नेवर यूज टिपिकल MLM वर्ड्स। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक कंपनी है, ज्वाइनिंग है, अप्लाई है, जैसे ही हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई ऑफर लेके आया है, कोई कंपनी है जिसमें ये बोलेगा मेरे को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि लोग आज स्मार्ट हो चुके हैं, आज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग छा चुका है। आप उसको इनवाइटिंग करने जाओगे, इसके पहले दो चार बंदा इनवाइटिंग कर चुका है, तो आप ये मत सोचो कि ये सब बात बोलने से वो आएगा। आपको समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी है, कंपनी है, भाई मेरा एक अपलाइन है, मेरे एक सीनियर है, उनसे मैं बातचीत कराऊंगा, उसको पता चल जाएगा कोई ये डायरेक्ट सेलिंग का कोई सीनियर आएगा और मेरे को फिर कोई प्लान समझाएगा और बोलेगा ज्वाइनिंग करने के लिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी, कंपनी, ज्वाइनिंग, अपलाइन, ऐसे जो शब्द है इनका यूज आपको नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद, डोंट मर्ज इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन। इनवाइट अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जब इनवाइट करने जाते हैं उसी में सारे चीज बोल देते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी का अचीवमेंट क्या है, 20 सालों से क्या किया है, कैसे पेमेंट देता है, कोर्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये करोगे तो इनवाइटिंग कभी नहीं आएगा। इनवाइटिंग का मेन मकसद है कीप इट शॉर्ट, एकदम छोटा से छोटा इनवाइटिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा शब्द नहीं बोलने हैं, इनवाइटिंग एकदम शॉर्ट में करने हैं, सिर्फ उसको एक्साइटमेंट देना है, ऐसे कुछ वर्ड्स बताने हैं जो देख के, जो सुन के उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो और वो आपको सुनने के लिए एक घंटा समय लेके आए। ऑनलाइन में भी हो सकता है, फिजिकल प्लान शो में भी हो सकता है। जैसे इनवाइटिंग करोगे आपके सामने कई सारे सवाल आएंगे और वो सारे सवालों का जवाब आपको सवालों के जरिए ही देना है। आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस, ये कैसे होंगे मैं आपको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन डेफिनेटली शेयर करूंगा। कोई भी सवाल आता है उसका डायरेक्ट जवाब मत दीजिए, कोई सवाल कीजिए। कोई पूछता है भाई ये डायरेक्ट सेलिंग है, आप पूछिए, आप मना मत कीजिए, आप हाँ भी मत बोलिए, आप ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है भाई, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, वो बोलेगा नहीं वही कंपनी है, ये है, जोड़ने वाला काम है। भाई मैंने तेरे को कोई बोला, तेरे को पकड़ा है क्या, जोड़ने वाला पकड़ने वाला काम नहीं है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो दिखाने के लिए मैं तेरे को इनवाइट कर रहा हूं, जो तेरे साथ डिस्कस करने के लिए मैं तेरे को बुला रहा हूं, ये हिसाब से बात करना है। कोई भी सवाल आपके सामने आए उसका उत्तर नहीं देना है, उसके अगेंस्ट में आपको एक सवाल ही करने हैं, वो कैसे मैं जरूर आपका। नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड्स कभी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में, SMS में, फेसबुक मैसेंजर में इन्वाइटिंग करने लगते हैं, गलत, कभी मत कीजिए। लोगों से मिलना जुलना बनाना है, लोगों से जान पहचान बनानी है, इसके लिए आप SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेंजर कीजिए, लेकिन जब भी इनवाइट की बात आ जाती है, हमेशा आप इनवाइट जब करोगे
आपको इनवाइटिंग फेस टू फेस या फोन के जरिए ही करना है। कभी भी किसी भी इंसान को फेसबुक में मैसेंजर के जरिए, व्हाट्सएप में टेक्स्ट के जरिए इनवाइट मत कीजिए, उनका नंबर ले लीजिए, उनको बाय फोन इनवाइट कीजिए, और अगर आमने सामने मिलना पॉसिबल है तो आमने सामने मिल के इनवाइट कीजिए, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, सिर्फ टेक्स्ट के जरिए कभी भी किसी को इनवाइट मत कीजिए। चलिए अब इनवाइट कैसे करें, फेस टू फेस और ओवर फोन जो इनवाइट प्रोसेस है, मैं कुछ स्टेप्स में आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम इनवाइट को करें। पहला जो पार्ट है इनवाइट करने का, शो योरसेल्फ बिजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी इंसान को इनवाइट करोगे, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, उनके सामने आपको ये चीज दिखाना है कि आप बहुत बिजी हो, आपका समय नहीं है। जैसे हम शुरू शुरू में करते थे, हमको याद है हम लोगों को उस समय ट्रेनिंग दिया जाता था, हम बचपन में हम जब शुरू शुरू में रास्ते में चलते थे तो बहुत स्पीड से चलते थे। क्यों? क्योंकि स्पीड से चलते लोग पूछते थे, भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं जा कहीं पे नहीं रहा हूं, सिर्फ ऑफिस में ही जाना है, लेकिन अभी बिजी हूं, अभी बिजी हूं। ये बिजीनेस आपके अंदर होनी चाहिए। कोई दोस्त आपको फोन कर रहा है, उसका आपका फोन आपको उसको बिजी मिला, आप तुरंत कॉल बैक मत कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद फोन करो। दोस्त तूने मेरे को फोन किया था, सॉरी मैं थोड़ा बिजी था, 3-4 कॉल में लगा, एक्चुअली 2 कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था, उसके बाद एक ऑफिस कॉल भी आ गया था, तो मैं समय नहीं मिल रहा था, तो अभी मैं तेरे को फोन नहीं कर पा रहा हूं, मैं तेरे को शाम में फ्री होकर फोन करूंगा और तब बात करेंगे। दोस्त लगेगा कि भाई हाँ ये बंदा बिजी है। जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो उसको फोन करके बता रहे, भाई तू कैसा है, वो ऐसा मत बोलो, उसको फोन करके बोलो, भाई तेरे से बहुत समय से बात करने का मन हो रहा था लेकिन मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था, पिछले 10-15 दिनों से मैं इतने कामों में बिजी था और इतना समय नहीं मिल बिजी था कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था तेरे से बात करूं तो 15 दिन से मैं समय नहीं निकाल पा रहा था, आज मैंने समय निकाला है इसलिए तेरे को फोन किया है। और उससे क्या लगेगा उस दोस्त को, उस दोस्त को लगेगा कि मेरा दोस्त जो है, मेरा जो मैं जिसको जो इन्वाइट कर रहा है वो ऐसे ही वैले नहीं बैठा है, वो बिजी है। अपने आप को बिजी दिखाना, अपने आप को एंगेज दिखाना बहुत जरूरी है इनवाइटिंग के पहले प्रोसेस में। दूसरा, एप्रिशिएट पीपल। जब भी आप किसी को इनवाइट करने जाओगे उनके बारे में अच्छा कुछ बोलो। हर किसी इंसान में कुछ अच्छा है, किसी का ड्रेस अच्छा है तो किसी का घर अच्छा है, किसी का मोबाइल अच्छा है तो किसी का घड़ी अच्छा है, कोई कोई देखने में अच्छा है तो किसी के बाल अच्छे हैं। तो कोई भी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती है, और जिसमें कुछ नहीं है उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, उसमें कोई अच्छे क्वालिटीज होंगे, उन चीजों को अप्रिशिएट करो। जैसे मैं उस इंसान से मिला, मैं उससे बात कर रहा हूं, भाई तेरे से मैं 1-2 महीने बाद मिल रहा हूं लेकिन अच्छा लग रहा है कि तेरे को तू मैं 1-2 महीने पहले तेरे को जब दिखा था और आज जब मैं तेरे को दिख रहा हूं, मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि तूने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है। जैसे तेरा वेट बहुत कम हो गया है, तेरे अंदर एक तक ग्लो दिख रहा है, तूने काफी हद तक वेट लूज कर लिया है क्या? जैसे ही आप एक इंसान को बोलोगे उसको ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आप किसी को बोलते हो भाई क्या अच्छा शर्ट पहना रहे तू, तेरे को ये शर्ट बहुत जच रहा है, उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? कभी भी किसी भी इंसान को आप एप्रिशिएट करते हो किसी भी चीज को लेके, तो उस इंसान को अच्छा लगता है। तो इसी कारण से आप कभी भी किसी भी इंसान को इनवाइट करने जाते हो तो पहला काम आपका यह है कि आपको उनको इनवाइट करने के पहले उनको एप्रिशिएट करना है। किसी के अंदर ये चीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो पहले जितना था 3 महीने बाद जब आप उससे मिले हो वो और 10 किलो मोटा हो गया और आप उसको बोल रहे भाई तू क्या मस्त वेट लूज किया है, उसको लगेगा ये बंदा मेरा टांग खींच रहा है, वो आपका बात नहीं सुनेगा। उसको ये चीज बोलो भाई तेरे अंदर एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी भी किसी भी इंसान से जब तू मिलता है ना तो इतना जल्दी तू घुल मिल जाता है, लोगों से इतना अच्छे से तू मिल जाता है ना, ये तेरे अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है जो मेरे को तेरे से सीखना है, मुझे तुझ में बहुत अच्छा लगता है, तू लोगों से इतना ज्यादा अच्छा घुल मिल जाता है, ये तेरा एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तेरे अंदर कभी भी तू किसी भी जगह पे होता है, कोई भी चीज हो तेरे साथ, तू हमेशा पॉजिटिव रहता है। भाई मैंने तेरे में ये हमेशा देखा है, लोग जब हाल छोड़ देते तब भी तू पॉजिटिव रहता है, तो ये चीज सुनने के बाद उस इंसान को अच्छा लगेगा और ये फील गुड फैक्टर
इनवाइटिंग करने में आपको हेल्प करेगा। आप कभी भी किसी भी इंसान से बात कर रहे हो तो उनके अंदर जो भी अच्छाई है, कुछ अच्छाई है, उसको अप्रिशिएट करो। इससे आपका इनवाइटिंग और आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनाई दे रही है सभी को? थोड़ा चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए इसके बाद आइडेंटिफाई द नीड। कभी भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो उसका जरूरत को समझिए कि वो इंसान क्या चाहता है। उसको शिक्षा एडुकेशन चाहिए, वो हेल्थ चाहिए, इनकम चाहिए, गोल पूरा करना है, सपना पूरा करना है, क्या उसकी चाहत है वो समझ के हमको इनवाइट करना है। उसकी जो चाहत है उसी हिसाब से हम उसको बोलेंगे तो पक्का वो आपकी बात सुनेंगे। उसके बाद सल्यूशन थ्रू इनवाइटिंग और ऑफर। आज वो जो प्रॉब्लम उसके पास है उसका जो जरूरत उसका सोल्यूशन आपको देना है। जिसको एडुकेशन चाहिए उसका सोल्यूशन है स्किल डेवलपमेंट, जिसके जरिए वो अपना करियर बना सकता है। जिसके परिवार में लोग बीमार है, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसके लिए हमारा लाइफ स्पेन उनके लिए सोल्यूशन है जो उनको जिंदगी अच्छा करके देगा। जो पैसा कमाना चाहते उनके लिए स्मार्ट वैल्यू, हमारा ये बिजनेस प्लान सबसे बढ़िया मौका है जिसके चलते एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है जो उनका जिंदगी में वो सोल्यूशन लाएगा। मतलब उसके जिंदगी में समस्या है, उसका सोल्यूशन आप दोगे तो आपका इन्वाइटिंग में वो बंदा जरूर आएगा। और वही होता है इन्वाइट करना, वही होता है ऑफर करना। जब भी आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, वो इन्वाइटिंग करने के बाद टाइम चुनने का जो समय आएगा, कब उसको प्लान शो दिखाना है, हमेशा उनको दो ऑप्शन दीजिए, हमेशा दो चॉइस देना है। या तो तेरे को भाई ट्यूजडे इवनिंग को मैं टाइम दे सकता हूं, या तो वेनेसडे मॉर्निंग को, तेरे लिए कौन सा टाइम सही रहेगा बता। इससे क्या होगा, इससे उसको दो ऑप्शन भी मिलेगा और उसको लगेगा कि आप उसको चुनने की आजादी दे रहे हो, आप उसको नहीं बुला रहे हो, वो चूज कर रहा है वो कौन से समय में आएगा। इससे क्या होगा, वो अपॉइंटमेंट, वो टाइमिंग फिक्स्ड भी रहेगा, वो मिस भी नहीं करेगा और उसको लगेगा कि हाँ मैंने चुना है किस टाइम में मेरे को जाना है। एक साइकोलॉजी होता है, हमेशा लोगों को दो ऑप्शंस दीजिए जिसमें से एक टाइम में उसका टाइम अपॉइंटमेंट कीजिए जब वो प्लान शो देखने आए। जब भी इन्वाइटिंग करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक केयर एंड नॉम NOM, उसको क्लियर कर दो कि भाई तेरे साथ जो तेरे को जो मैं प्रेजेंटेशन में बुला रहा हूं, आज जो डिस्कशन होगा वो प्रेजेंटेशन तो मैं शेयर कर दूंगा लेकिन उसमें तेरे को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तू आएगा तो सही है, अगर तू नहीं आएगा तो मेरा दो दोस्त वेट करके बैठा है, तू बोल देना भाई 24 घंटे पहले मैं उनको बुला दूंगा। और सबसे बड़ी बात है भाई तेरे साथ मैं डिस्कस कर, लेकिन ये जो मीटिंग है ये NOM है, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुझे आना ही पड़ेगा, मैंने तेरे साथ ये बिजनेस शेयर किया तो तुझे हमारे साथ ज्वाइन करना ही होगा, यहाँ पे आना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है। तेरे बोलने से नहीं होगा, यहाँ पे तेरे को सिलेक्टेड भी होना पड़ेगा और हमारे बोलने से भी नहीं होगा, तेरा भी मन होना चाहिए। पहले ही उसको ये क्लियर कर दिए कि नो ऑब्लिगेशन मीटिंग है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, तेरे को समझेगा तो लेगा, तेरे को नहीं समझेगा तो तू नहीं लेगा। ये जैसे ही हम उसको बता देते हैं, ये जैसे ही हम उनको क्लियर कर देते हैं उनको, और ये प्रोजेक्ट में आने का मन बना है और वो फाइनल करते हैं कि हमें आऊंगा। और उसके बाद जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद आपको एक फाइनल कंफर्मेशन करना है कि ये समय में यहाँ पे हमारा ये मीटिंग होगा, हमारा ये ट्रेनिंग होगा, हमारा ये सेशन होगा, उस समय में 10 मिनट पहले तुम जाना है, ये ड्रेस कोड है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये लेके आना है। जैसे आप लोग करते हो इन चीजों को करके, एक फाइनल कॉन्फर्मेशन करके आपको उस पार्ट को क्लोज करना है इनवाइट को। अभी ये जो स्टेप्स है आपने देख लिया है, इसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि तीन तरीके के अप्रोच होते हैं जब आप किसी को इनवाइट करोगे, उसमें तीन तरीके के अप्रोचेस आपके सामने होंगे। पहला तीन तरीके का अप्रोच जो आपने दिखाया था, चार नंबर जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, सॉल्यूशन थ्रू इनवाइटिंग, उसमें तीन तरीके के इनवाइटिंग होंगे। एक होगा स्ट्रेट अप्रोच, उसको हम इनवाइटिंग करें एकदम स्ट्रेट अप्रोच में। दूसरा सेकेंडरी अप्रोच, जिसको हम टेक एडवाइस अप्रोच भी बोलते हैं। और थर्ड होगा इनडायरेक्ट अप्रोच। जब भी आप इनवाइटिंग करने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इनवाइटिंग स्ट्रेट अप्रोच से ही होगा। वो अप्रोच क्या है, किसी से भी हम मिले, उसकी जरूरत को हम समझ लिए, उसको हम अप्रिशिएट कर लिए, मैंने दिखा दिया कि मैं बिजी हूं, अब मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं। और ये इनवाइटिंग कैसा होगा भाई, एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट मिला है भाई,
जहां पे आज हम लोग जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ हम अपने समय को काम में लगा के कैसे पैसा कमा, कैसे बिजनेस करते हैं, अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को लेके कई लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल लिया है। मैं खुशनसीब हूं मेरे को ये मौका मिला है, मैं चाहता हूं तेरे साथ ये प्रोजेक्ट को शेयर करने के लिए, और उसके लिए तेरे को ये समय में यहाँ पे ये पे आना पड़ेगा, ये चीज करने पड़ेंगे, ये जो क्राइटेरिया मैंने डाल दिया। तो मेरा अप्रोच में जो है ये अप्रोच में एक्साइटमेंट दिखना चाहिए रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट में, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ये बाहर आनी चाहिए। ये एडुकेशन को लेके भी हो सकता है, ये बिजनेस को लेके भी हो सकता है, ये ड्रीम अचीवमेंट को लेके भी हो सकता है, कुछ भी हो, इसमें पूरा एक्साइटमेंट लेके स्ट्रेट अप्रोच, स्ट्रेट ऑफर आपको करना है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो आपसे सीनियर है, उम्र में भी सीनियर है, पढ़ाई लिखाई में भी सीनियर है, ऐसे जो कैटेगरी होता है जो आपसे सीनियर है, उनको अगर आपको इन्वाइट करना है तो आपका अप्रोच होना चाहिए टेक एडवाइस। दादा मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है जहां पे एक बहुत बढ़िया हेल्थ के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, कैसे हम वेलनेस के ऊपर काम करें और साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल वैल्यूज को कैसे हम डेवलप करें उसके बारे में जानकारी, नौकरी कर रहे हो, 10 साल का पे एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं आपके साथ वो शेयर करने का, तो आपकी इस करो, मुझे ये पूछिए या नहीं बनना चाहिए। जैसे ही मैंने उस इंसान से ये बातचीत कीजिएगा करेंगे, लोग हमेशा अपने राय देने में माहिर होता है, वो आपकी बात सुनने आएंगे, लेकिन वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे रुतबे में बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़े हैं, आपको बहुत बढ़िया ऑफर है, आप हजारों कमाओगे, लाखों कमाओगे, आपका जिंदगी बना दूंगा, वो क्या सोचेगा? भाई पहले खुद का जिंदगी तो बना ले, मैं महीने का 30,000 कमाता हूं, 3,000 नहीं कमाता, तू मेरा जिंदगी बदलेगा? वो नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोलेंगे, दादा आप मेरे को एडवाइस, आप मेरे को गाइड कर दो, आप मेरे को थोड़ा बता दो ये करना है कि नहीं करना, वो तुरंत प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, हमारी प्रेजेंटेशन में इतनी ताकत है। उसके बाद टेरिटरी अप्रोच, टेरिटरी अप्रोच जिसको हम इनडायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑफर भी बोलते हैं, लोग से हम मिले और उनको हम अप्रोच करते हैं कि भाई एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जिनके लिए मुझे मौका मिला है, जिनमें मुझे कुछ HS पास किए हुए, हाई सेकेंडरी पास किए, कॉलेज जाने वाले बंदे चाहिए जो जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं, मेहनत कर सकते हैं और जिंदगी में हफ्ते में 8-10 घंटा समय दे ऐसा कमाना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग होंगे तेरे जान पहचान में, तेरे दोस्त यार बंधु, तो मेरे को उनका नंबर और कॉन्टेक्ट और बायोडाटा शेयर करने के लिए बोल देना। वो पहला बोलेगा भाई मेरे लिए बोल, भाई मेरे को बता कैसे ये करता है, क्योंकि मुझे तो जरूरत है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो तू चाहता है नहीं, मेरे को लगा तू करेगा कि नहीं करेगा, तेरे में वो इंटरेस्ट नहीं, भाई मेरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं समय निकाल लूंगा, 8-10 घंटा कोई बात नहीं, मैं उससे ज्यादा भी दे सकता हूं, तू मेरे को बता। जैसे ही वो बोल दिया, आपने इन्वाइटिंग में घुस गए। तो इसमें क्या होगा, मैंने उसको डायरेक्ट ऑफर नहीं किया, मैंने उनसे कुछ कॉन्टेक्ट रेफरेंस मांगे, और ये इनडायरेक्ट ऑफर होता है, इससे भी हम इन्वाइट कर सकते हैं। जब भी हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों को करना है, जैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये हम बता सकते हैं, कोलाबोरेशन ये बता सकते हैं, SDP स्किल डेवलपमेंट मार्केटिंग बता सकते हैं, ग्राफ चार्ट फिगर डेटा, ये शब्दों का इस्तेमाल करें। भाई तेरे साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करना है जहां पे कई सारे ग्राफ्स है, कई सारे चार्ट्स है, डिस्कस करूंगा, उसके लिए तेरे को 45 मिनट्स, 1 घंटा समय लेके आना पड़ेगा। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कोलैबोरेशन से, और उसमें मेरे को कुछ चैनल पार्टनर्स चाहिए, और उसके बारे में मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, और मेरे को लगता है तू एक आइडियल पार्टनर मेरे लिए हो सकता है, जहां पे जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे बोल के हम इन्वाइट कर सकते हैं। ये सारे शब्द है, जो शब्द बोलने से जो स्टूडेंट है उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्किल इंडिया, ये बहुत अच्छे शब्द है जिसके सहारे, जिसके यूज करके आप इनवाइट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इनवाइट करो, यहाँ पे रेड में एक चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए, डू नॉट लेट द कन्वर्सेशन कंटिन्यू मोर देन 2-3 मिनट। आप जब भी किसी से बातचीत कर रहे हो, आपकी बातचीत 2-3 मिनट की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनवाइट के साथ घंटों के घंटे गप्पे लड़ाओ चलेगा, लेकिन जब इनवाइट कर रहे हो 2-3 मिनट के अंदर आपको इनवाइट खत्म करना है, तभी आपका इनवाइटिंग छोटा रहेगा, ब्रीफ रहेगा, नहीं तो इनवाइटिंग में ही आप पूरा प्लान शो करके चले आओगे और आपने इनके पास आके रोज मेरा इन्वाइटिंग नहीं आता, कैसे आएगा? आप इन्वाइटिंग में ही पूरा प्लान शो सुना देते हो। इसलिए इन्वाइटिंग हमेशा 2-3 मिनट के अंदर करना है, और हमेशा अपना जो प्रोजेक्ट है इसका एक वैल्यू इंक्रीज करना है, आपको उसको समझाना, ये क्रिएट वैल्यू फॉर योर इवेंट।
आज जो इवेंट में तेरे को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक मौका मिलेगा, वहां से तेरा जिंदगी बदल सकता है, वहां से एक डायमेंशन हमको मिल सकता है करियर के बारे में, रोजगार के बारे में। ये जैसे ही हम बोलेंगे उसको लगेगा कि हाँ भाई एक प्रोजेक्ट है जिसका एक वैल्यू है, मतलब हम उसको प्रोजेक्ट दे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मोल हो ना दे, इसके लिए आपने इवेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कीजिए। भाई तेरे को बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, तेरे को ऐसे लोगों से मैं मिलाऊंगा जो कुछ ही समय में अपने जिंदगी को बदल लिया है। तू देखेगा 2 साल 3 साल में इस प्रोजेक्ट से काम करके कोई बाइक ले रहा है, कोई स्कूटी ले रहा है, कोई फॉरेन घूमने जा रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है। ऐसे अचीवर्स, ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मीट करने का तेरे को मौका मिलेगा, उनकी जिंदगी के बारे में जानकारी लेने का मौका मिलेगा। इससे क्या होता है, आपके प्रोग्राम का, आपके इवेंट का, आप जब इनवाइट कर रहे हो उसका मोल बढ़ता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, और वो ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट। चलिए अब इनविटेशन में एक बात होता है, जब आप इनवाइट करोगे आपको रिजेक्शन मिलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। फेलियोर से मत डरिए, रिजेक्शन इज नॉट फेलियोर, फेलियोर इज गिविंग अप। Everybody gets rejected. It's how you handle it that determines where you will end up. सभी को जिंदगी में असफलताएं मिलती है, असफलता जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अगर आप थम जाते हो, अगर आप कोशिश करना बंद कर देते हो। असफलता मिलने के बाद आप कितनी बार कोशिश करते हो इससे फर्क पड़ता है, आपने कितनी बार हारा है, आपने कितनी बार असफल हुए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सक्सेसफुल पीपल रिजेक्ट रिजेक्शन, सक्सेसफुल पीपल दुनिया में वो लोग होते हैं जिन्होंने रिजेक्शन को रिजेक्ट किया है, कि मेरे को एक बार, दो बार, पांच बार, 10 बार रिजेक्ट किया है, मैं तेरे को फिर से रिजेक्ट करता हूं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और यही ताकि राज होती है, और आपको भी इनवाइटिंग करने हैं तो यही चीज के ऊपर डिपेंड करना है। 2-4 लोग आएगा नहीं आएगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। आपके लिस्ट बिल्डिंग में 200, 250, 300 लोग है, और इंडिया में 135 करोड़ आबादी वेट करके बैठा हुआ है, कब आओगे और आप उनको इनवाइट करोगे। इनवाइटिंग में छोटा सा चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, इनविटेशन में बहुत छोटी सी पार्ट होती है। हम स्टूडेंट्स को इनवाइटिंग करने जा रहे हैं तो क्या बोले, कैसे बोले, जिससे हमारा इनवाइटिंग और भी आसान हो सकता है, उसके बारे में मैं 2-3 चीज बोलना चाहूंगा। जैसे आप लोगों से पूछ सकते हो कि भाई तूने करियर के बारे में क्या सोचा है, करियर बनाने का तेरे पास क्या ऑप्शन है। ये सब बातें हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आपकी बात शुरू होगी कि तूने करियर बनाने का क्या क्या ऑप्शन सोचा है। भाई आज क्या तूने सोचा है कि ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है, हमने 10th पढ़ाई कर लिया कॉलेज में है, आने वाले दिनों में कैसे हम करियर को बनाएंगे, ये इस बारे में सोचा है क्या तू। ऐसे हम बात कर सकते हैं कि आज के दिन में लॉकडाउन चल रहा है, ये जो लॉकडाउन है ये सिचुएशन को तू एंजॉय कर रहा है, या इस सिचुएशन में अपने करियर को लेके सोच रहा है और करियर को कैसे बनाना है इसके ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि दो तरीके लोग हैं भाई, एक लॉकडाउन में घर बैठे टाइम पास कर रहा है, और एक कैटेगरी है जो लॉकडाउन को यूज करके, ये टाइम को यूज करके अपने करियर को बना रहा है। तू कौन से कैटेगरी में पढ़ना चाहता है भाई। आज ऑल ओवर इंडिया में सब जो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन एडुकेशन जो है, मतलब स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, ट्यूशंस हो गए, सब बंद थे, आज के सिस्टम में डिजिटली अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को डिजिटली अपग्रेड हो रहा है। और आज के दिन में तूने क्या सोचा है कि अपना एडुकेशन, अपने करियर को तू कैसे डिजिटली अपग्रेड करेगा। ये जो मैंने बातें आप लोगों को बताई, ये बात छेड़ने की जगह है, ये को कह के, इन चीजों को बोल के आप किसी के भी साथ बात शुरू कर सकते हो। और जैसे ही आपने बात शुरू कर दिया, उसके बाद वो सवाल करेगा, तू क्या कर रहा है, तू कौन सा काम में है, तेरा काम क्या है, तू क्या किसी काम में जुड़ा है, तेरे पास का कोई नॉलेज है, तब आप बताओ। भाई मैं 10th में पढ़ रहा हूं, 12वीं में पढ़ रहा हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैंने समझ लिया है सिर्फ ये पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं ई कॉमर्स में एक प्रोजेक्ट चार्ज किया है, जहां पे सेल्फ अपग्रेडेशन और वर्क फ्रॉम होम के जरिए मैं एक बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, जिसके जरिए मेरा सेल्फ अपग्रेडेशन भी हो रहा है और मेरे को एक रोजगार भी मिल रहा है। मेरी बात समझ रही है आप लोग, सिंपल सी बात है भाई। मैं 10th 11th 12th 12वीं कुछ भी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि ये करने से जिंदगी नहीं वाली, मेरा कुछ होने नहीं वाला, इसीलिए मैं ई कॉमर्स में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हूं, जहां से मेरा खुद का भी तरक्की हो रहा है, सेल्फ अपग्रेड हो रहा है, और वर्क फ्रॉम होम करके मैं पैसा कमा रहा हूं। ये बोल के मैं हम इन्वाइट कर
हम ये भी बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ये सारी चीज तुझे पता है? ड्यूरिंग कोविड और ये कोविड के बाद ये जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, ये इंडिया का नंबर वन इंडस्ट्री होने वाला है। इस इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग ले लेगा, जो काम करेगा, उसको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के दुनिया में, आज का दुनिया अमेजोन का ही है, फ्लिपकार्ट का ही है, ओला का ही है, उबेर का ही है, स्विगी का ही है, जोमेटो का ही है, फोन पे का ही है, गूगल पे का ही है। इसके अलावा जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इन्हीं चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जहां आने वाले दिनों में मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये चीज बोल के भी हम इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद वो सवाल कर सकता है, मैंने पहले ही बोला था इनविटेशन में कि जब भी आप इनवाइटिंग करने जाओ तो आपके सामने कई सारे सवाल वो बंदा करेगा, और जब भी आपके सामने सवाल आए आपको क्या करना है, सवाल का उत्तर नहीं देना है, उसको कोई सवाल करने हैं। जैसे वो सवाल कर दिया, भाई काम क्या है, कितना रुपया लगेगा, तेरे को कितना रुपया लगेगा, लगा, साथ ही साथ बोलिए तू कितना रुपया खर्चा कर सकता है, बता। 1 लाख खर्चा कर पाएगा, 2 लाख खर्चा कर पाएगा, 50,000 खर्चा कर पाएगा? वो क्या करेगा, नहीं भाई नहीं कर पाएगा। तो छोड़ना भाई, लॉकडाउन के समय में ऐसे ही लोगों को पैसे की दिक्कत है। तू 1 लाख 2 लाख खर्चा कर पाएगा? और अगर इतना पैसे का बात होता मैं क्या तेरे को बोलता? तो क्या हो गया, उसका जो सवाल आया कि कितना रुपया लगेगा, तेरे को कितना लगा, पहले ही मैंने बोल दिया तू 1 लाख रुपया दे पाएगा, 2 लाख दे पाएगा, नहीं ना दे पाएगा। भाई मैं क्या दे पाता? नहीं ना दे पाता। और ऐसा इतना पैसा का बात होता तो मैं तेरे को कभी बोलने भी नहीं आता, क्योंकि मुझे भी पता है, तुझे भी पता है मेरा क्या हालत है, तेरा क्या हालत है। पैसे की बात होती तो हम लोग कर नहीं पाते दोस्त, या पैसे की बात नहीं है, तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोजेक्ट देखने का मौका मैं दे सकता हूँ। तेरे को मौका मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये तेरे ऊपर है। उसके बाद हम बोल सकते हैं पार्ट टाइम देने से तेरे को फुल टाइम इनकम मिलेगा, फुल टाइम देने से लाइफ टाइम इनकम बोलेगा। तेरे को पैसा नहीं चाहिए भाई, समय दे सकता कि नहीं दे सकता है? बोल, अगर तेरे पास समय है हफ्ते में 8 से 10 घंटा, दिन में 1 घंटा, तो बोल, मैं तेरे को बताता हूं, नहीं तो भाई छोड़। ऐसे करके बातचीत करेंगे तो हमारा इनवाइटिंग में जरूर रेस्पॉन्स आएगा। ये चीज बोलने से स्टूडेंट कैटेगरी में इनवाइटिंग हो सकता है, जो एक थोड़ा एजेड कैटेगरी है उसमें हम बोल सकते हैं। सुपर फूड में हमने एक स्टार्टअप शुरू किया है जो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। आज कोविड और कोरोना के बाद लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। एक रोजगार आप कर रहे हो उसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा रोजगार चाहिए तो आज इस प्रोजेक्ट के जरिए आपको मिल सकता है। आप भविष्य में कैसे अपने सपने को पूरा कर सकते हो, इसका एक रोजगार आपको मिल सकता है। आपको समय पैसा दोनों इकट्ठे मिल सकता है। ये सब चीजों बोल के भी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो काफी हद तक मैंने कोशिश किया है प्रैक्टिकल जो इनवाइटिंग के एग्जांपल्स होते हैं आप लोगों के सामने शेयर करने का। और ये है, जब आप इनवाइटिंग करने जाओगे, जब आप काम करने जाओगे, आपके सामने सिचुएशन अलग अलग आएंगे, चैलेंजेस अलग अलग आएंगे, और इसमें डिपेंड करेगा कि आप कैसे बर्ताव करते हो, आप क्या करते हो, उससे डिपेंड करेगा आप सफल बनोगे या असफल बनोगे। देखिए आज रिजेक्शन के बाद जो मैंने बोला, आज यहाँ पे देखिए आप अमिताभ बच्चन का फोटो देख पा रहे हो, लता मंगेशकर का फोटो देख पा रहे हो, आज यहाँ पे दबांग मूवी देख पा रहे हो, आज सचिन तेंदुलकर, धोनी, शाहरुख खान, सारे सेलिब्रिटी लोग हैं। इन लोगों को किसी चीज को राष्ट्रपति भवन में प्राइज मिल रहा है, किसी को भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन उस वीडियोज में, उस फोटोज में भी आप जाओगे तो 1, 2, 5, 10, 50 नहीं, हजारों के तादाद में लोग उसको डिसलाइक किए हैं। इन लोगों को भी लोग रिजेक्ट करते हैं कि लता मंगेशकर का गाना मुझे अच्छा नहीं लगता, अमिताभ बच्चन अच्छा नहीं लगता, धोनी अच्छा नहीं लगता, सचिन अच्छा नहीं लगता, शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता, विराट कोहली अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को भी रेगुलर लेवल में रिजेक्शंस मिलते हैं, इनको भी गंदे गंदे कॉमेंट्स मिलते हैं, लेकिन ये सोच के ही अपना काम करना बंद नहीं कर देते। कल विराट कोहली को लोग 4 गाली लगाएगा तो विराट कोहली क्रिकेट छोड़ के डांडिया खेलने नहीं लग जाएगा, उसका काम है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट ही खेलेगा। ऐसे हमारे साथ भी है, आप इनवाइटिंग करने जाओगे, 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग नेगेटिव बोल दिया, रिजेक्शन दे दिया, इससे आपको कुछ घंटा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में रिजेक्शन से ही एक इंसान को सफलता मिलता है। यहाँ पे जो मैंने लिखा था सक्सेसफुल पीपल रिजेक्ट
रिजेक्ट रिजेक्शन, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, धोनी, सचिन, कोहली, ये सारे लोग सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि इन्होंने रिजेक्शन को रिजेक्ट किया है। और आप भी काम करने जाओगे तो आपको भी रिजेक्शन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और आज रिजेक्शन क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है ये फोटोज के जरिए आपको पता चल जाएगा। देखिए ये फोटो में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक कढ़ाई है उसमें उबलता हुआ पानी है। तीन चीजें लिए है ये उबलते हुए पानी में डालने के लिए। पहला है आलू जो ऐसे सॉलिड होता है, सख्त होता है। दूसरा होता है अंडा जो बाहर से तो सख्त है लेकिन अंदर से एकदम नरम है, अंदर से लिक्विड फॉर्म में होता है अंडा। और तीसरा होता है कॉफी। ये तीनों चीजों को आप तीन पतीला लेके गर्म पानी में डाल दो। आधा घंटा बाद इसके साथ क्या होगा, जो आलू था आधा घंटे के बाद गर्म पानी में गिरने के वजह से ये नरम हो जाएगा। जो अंडा था, जो एग था, वो पहले तो लिक्विड था लेकिन वो जैसे ही गर्म पानी में गिरा वो सख्त हो गया, सॉलिड हो गया। और जो कॉफी था वो पहले तो पाउडर जैसा था लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी में गिरा वो गर्म पानी को ही बदल दिया और उसको पूरा कलर दे दिया, फ्लेवर दे दिया, उसमें सुगंध ला लिया और उसको एक कॉफी, सुंदर सा कॉफी बना दी, कप ऑफ कॉफी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गर्म पानी को। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, जब भी हम किसी भी सिचुएशंस में हैं, कोई भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे बर्ताव करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे ही चैलेंजेस आए वो नरम पड़ जाते हैं आलू जैसे, पहले तो सख्त थे, जैसे ही इनवाइटिंग करने के लिए गए दो चार नाक सुने तो नरम जाते हैं, बॉइल्ड आलू जैसे हो जाते हैं, मैश्ड पोटेटो हमारे बंगाली में बोलते हैं, आलू शेद हो जाते हो। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहले तो नरम होते हैं लेकिन दो चार रिजेक्शन के बाद अपने आप को सख्त बना लेते हैं जैसे अंडे जैसे। और तीसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने आप के हिसाब से उस माहौल को बदल लेता है, गर्म पानी में गिर के गर्म पानी को बदल देता है, उस सिचुएशन को बदल के अपने जिंदगी को सफलता लेके आती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, आलू, अंडा या कॉफी। आलू बनोगे तो तकलीफ आएगा, चैलेंजेस आएगा तो नरम पड़ जाओगे, अंडा बनोगे तो सख्त बनोगे और कॉफी बनोगे तो उसी चीज को बदल के अपना सफलता में पहुंच जाओगे। रिजल्ट अलग अलग है। इससे क्या चीज सीख मिलती है हम लोगों को, द ट्रूथ इज डिफरेंट पीपल हैव रिएक्शन टू द सेम सिचुएशन। स्ट्रेस इज अ चॉइस, स्ट्रेस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। हम जिंदगी में जहां भी है ये हमारा रिएक्शन है उस सिचुएशन के ऊपर। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कोशिश कीजिए कॉफी बनने की, सुगंध से, अपने क्वालिटी से आप पूरे चीज को महका पाओ और अपने एनवायरमेंट को चेंज कर पाओ, अपने जिंदगी को बदल पाओ। और कभी कोई भी तकलीफ आए कभी भी नरम मत पड़ना, कभी भी नरम मत पड़िएगा। आपका सिचुएशन आपके सामने जैसे उसको हैंडल करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप जिंदगी में सफल बनोगे या नहीं बनोगे। तो आज के लिए मैं यही चीज बोलना चाहूंगा, जिंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ आए उसका डट का सामना कीजिए, रिजेक्शन को हैंडल कीजिए, मार्केट में जाके 2, 5, 8, 10, 15, 20 इनवाइटिंग कीजिए। और मेरे टीचर ने मेरे को क्लास 6 में जो बात समझाया था मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी प्रॉब्लम आता है इनवाइटिंग नहीं हो रहा है करेंगे ज्यादा से ज्यादा इनवाइटिंग करेंगे, ज्यादा प्लान शो नहीं हो रहा है ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करेंगे, चार लोग ना बोल रहे 40 लोगों से ना सुनेंगे। जैसे ही आप ये चीज करोगे आपको सफलता मिलेगी। इन चीजों का इंप्लीमेंट कीजिए, इनवाइटिंग कीजिए, सफलता पाइए और अपने जिंदगी के हर एक सक्सेस को हासिल कीजिए।